जय माता दी भक्तों आज हम सुनेंगे माघ मास का सोलवा अभ्याय दत्तात्रेय जी बोले हे राजन प्रजापति ने बड़े बड़े पाप नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की है तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य बड़ा ही पवित्र है श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी मात्र जल स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं गंगा जी का श्वेत जल यमुना जी का नील जल और सरस्वती के श्वेक जल से बना यह संगम महान पुण्य देने वाला है भगवान विष्णु को प्रयागराज परम प्रिय है जो प्राणी यहाँ माघ स्नान करते हैं वे अनेक सुखों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं जो इस संगम जल को स्पर्श मात्र करता है उसके पुण्यों की गणना चित्र भी नहीं कर सकते सौ वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल तीन दिन माघ स्नान में संगम में स्नान करने के बराबर होता है माघ में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सहस्त्र स्वर्ण दान के समान है माघ में प्रयाग स्नान करने का फल सहस्त्रों राज सूर्य यज्ञों के फल से भी ज्यादा है माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सारी नदियाँ स्नान के लिए आती हैं त्रिवेणी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है काशी में गंगा स्नान उससे सौ गुणा फल देता है प्रयाग का स्नान काशी स्नान से सौ गुणा अधिक फल देता है उत्तर वाहिनी गंगा यमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महाफल देता है एवं भ्रम हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं संगम स्नान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघवासन में ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र आदित्य मरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर मैना हिमालय की पत्नी अड़माद सिद्धि ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी सची अदिति दिति समस्त देव नाग नागपत्निया दृताची मेनका रंभा उर्वशी तिलोत्तमा एवं पितरगढ़ इस कली काल में भी गुप्त रूप से स्नान के लिए आते हैं माघ मास में त्रिवेणी में तीन दिन स्नान का फल अश्वमेघ से कई गुना अधिक है यह राजन पापात्मा राक्षस की मुक्ति के हेतु कांचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का फल दिया था जय माता दी